सो स्टार्ट कर रहे हैं विद पब्लिक कॉर्पोरेशन। सबसे पहले अगर मैं डायग्राम देखूँ तो उन्होंने एक चीज स्पेशल लिख दी है कि अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1934 कि जो ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस बनेंगी वो एक स्पेशल एक्ट पास होएगा आपको, जिसको मैं कह दूं कि एक तरह का बिल पास करना पड़ेगा। अगर सारे इस पे सहमति बताते हैं देन वो आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, अदरवाइज नहीं। सो ये उन्होंने लिखा है फर्स्ट लाइन में, पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज मतलब जो भी ये एंटरप्राइजेस होंगी, जो भी ये कंपनीज होंगी, कॉर्पोरेशंस होंगी, वो रजिस्टर्ड होंगी। तो क्योंकि हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप की तो बात कर नहीं रहे कि अपनी मर्जी से बना लिया फिर अपनी मर्जी से बंद कर दिया, क्योंकि अगर आपको एक पार्लियामेंट में जाके एक्ट पास करना पड़ रहा है तो मान के चलेंगे कि प्रॉपर एक आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसका फॉलो करना पड़ेगा और जो भी आप लोगों का जो भी कॉर्पोरेशन होगी वो रजिस्टर्ड होगी। सो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आपको मैनेजमेंट और मेथड ऑफ रनिंग देम, उसकी पावर क्या है, प्रिविलेजेस उनको क्या मिल रहे हैं, ये सब कुछ स्पेसिफाई किया जाता है जब ये एक्ट पास होता है। तो क्योंकि एक्ट पास करने गए हम ये तो ना बताएंगे कि हम ये वाली डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, साथ में हमें ये भी बताना पड़ेगा लोग कौन से काम करेंगे, क्या उनकी पावर्स होंगी, कहाँ से वो पैसा लेंगे, कैसे वो मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो तभी ही आप लोग उनको स्पेसिफाई कर देते हो। सो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्योंकि ये रजिस्टर्ड है इसलिए इन्होंने लिखा है ये क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। जब हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करी थी तो तब मैंने आपको एक चीज कराई थी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कोई ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस उनकी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं हो रही, वो गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट उसका ऑनर है, गवर्नमेंट उसकी मैनेजमेंट है, सब कुछ वहां पे है। तो अल्टीमेटली किसी ने उसको ओन नहीं करा तो वहां पे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। पर आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशन के केस में क्योंकि रजिस्टर्ड हो जाती है, पार्टनर और या फिर मैं कहूँ बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए लिख दिया है उन्होंने सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस व्हिच मींस दैट दे कैन परचेज एसेट इन देयर नेम। वही बात, अपने नाम के ऊपर वो एसेट्स परचेज कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट केस हो सकता है और ये भी किसी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। आगे लिखा है द एंटायर कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो चाहे ज्वाइंटली, मतलब दोनों 50-50 लगाए। विच मीन्स दैट दिस कॉर्पोरेशन आर फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट बट दे हैव राइट टू टेक या राइट टू गेट लोन फ्रॉम पब्लिक। तो ये लाइन जो मैंने अभी अंडरलाइन करी है अपनी बुक्स पर भी आप अंडरलाइन करिए, सिंपल सी बात है कि वो पैसा गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, फिर गवर्नमेंट चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, और उसके साथ साथ वो लोगों से भी लोन ले सकते हैं। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या किया था, वो सिर्फ अपना पैसा यूज कर सकते हैं, दे हैव नो राइट टू गेट लोन फ्रॉम द पब्लिक। यहाँ पे दूसरा डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो बात करें, अनलाइक द एंटरप्राइजेस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशंस आर नॉट शोन इन द बजट। अब कहते हैं यहाँ पे इनका जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि वो डिपार्टमेंटल है, वहां पे डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है, तो आपको बजट में शो होता है कि इस बार इतना पैसा वो लगाने वाले हैं, इतना उनका खर्चा है, इतनी उनकी इनकम है। यहाँ पे कहते आप लोगों को कुछ भी बजट में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ पे पब्लिक का भी रहता है। नेक्स्ट उन्होंने कॉर्पोरेशंस इंक्लूड करी हैं, आप नाम देख लो इनके, लाइफ इंश्योरेंस आरबीआई हो गया, ये आईडीबीआई बैंक हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस हो गए, तो कोई आपको जो नाम याद रहेंगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी बात, हम सीधा आ जाते हैं फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेशन। जो मैंने मीनिंग करवाया, तीन चार पॉइंट तो उसी में से उठा के लिखे हैं उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन की बात करी है, फॉर्मेशन तो हमारे मीनिंग में फर्स्ट लाइन में ही लिखा था, फॉर्मेशन कैसे होगी, बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। नेक्स्ट वन ऑनरशिप, उसका ऑनर होएगा कौन। अब जो ऑनर है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट इसकी ऑनरशिप है, क्योंकि अगर किसी भी कॉर्पोरेशन में 50% या 51% गवर्नमेंट और 49% प्राइवेट रह जाए, वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी जो हम नेक्स्ट केस करेंगे, ठीक है। तो अगर इसीलिए बोला है कि ये कॉर्पोरेशन क्यों है, क्योंकि कंप्लीटली ये अंडर द ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें पब्लिक का शेयर या पब्लिक इसकी ऑनर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वन आता है मैनेजमेंट, मैनेज कौन करेगा,
डायरेक्टर्स जो आप नॉमिनेट किए नॉमिनेट करोगे, मतलब जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, वही डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास राइट है, वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास वोटिंग पावर है, तो ये उनके लिए है. नेक्स्ट कम्स फाइनेंसिंग. तो फाइनेंसिंग लिखा है, हमने अभी पढ़ा था, अगर आप लोगों को, सो यहाँ पे मैं फाइनेंसिंग की बात कर रही थी. फाइनेंसिंग में इन्होंने सिंपल सी बात लिखी है, अभी हमने पढ़ा था कि फाइनेंस पैसा कहाँ से आएगा. गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों से ले सकते हो. गवर्नमेंट मतलब चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, आप बोरो कर सकते हो, आप पब्लिक से भी बोरो कर सकते हो, आपके पास राइट है. अगर आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अनलाइक डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग, वहां पे क्या था, आप लोग अपना पैसा ही यूज करते थे, मतलब गवर्नमेंट अपना ही पैसा यूज करती थी, लोगों से पैसा नहीं ले सकती थी. बट ये हमारे पास पब्लिक कॉर्पोरेशन में एडवांटेज है कि अगर हम ज्यादा पैसा रेज करना चाहते हैं देन हम बाय मीन्स ऑफ जो भी लोन है या जैसे भी शेयर्स हैं उनके थ्रू ले सकते हैं. सो अपॉइंटमेंट्स में उन्होंने लिखा है, कॉर्पोरेशंस हैव देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज. क्योंकि जैसे आपको पता है आरबीआई या एसबीआई या बैंक्स की बात करूं या एलआईसी की बात करूं, तो ये आपकी मर्जी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. आप लोगों को करना क्या पड़ता है कि एक पेपर क्लियर करना पड़ता है, देन आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, यही होता है ना वहां पे. तो यानी कि थोड़े बहुत उन्होंने लिखे हैं कि आपके खुद के रूल्स हैं अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग. उसके बाद रेमुनरेशन, उनको इनकम कितनी देनी है, सैलरी कितनी देनी है, ये भी आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हो. नेक्स्ट लिखा है, द सर्विस कंडीशंस आर फिक्स्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. द एम्प्लॉयज ऑफ द कॉर्पोरेशन लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि कॉर्पोरेशन के जो इम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट इम्प्लॉयज नहीं होते. प्लीज यहाँ पे ब्रैकेट में डालकर लिख लीजिए, इट मीन्स दे आर प्राइवेट इम्प्लॉयज. ठीक है जी, यानी कि दे कुड बी प्राइवेट इम्प्लॉयज की, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज हो सकता है, प्योरली गवर्नमेंट इम्प्लॉयज नहीं है. नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी. अब सेपरेट लीगल एंटिटी का केस क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी हियर मींस कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि ऑनर क्या है, गवर्नमेंट है, और जो मैनेज करने वाले हैं वो डायरेक्टर प्राइवेट इम्प्लॉयज भी हो सकते हैं आपके. तो इसलिए लिखा है कि ये आपकी जो सेपरेशन है वो इस केस में आपकी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड आपकी कॉर्पोरेशन है. सो लास्ट हमारा पॉइंट रह गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव, इट मींस हम किसी ऑफिस या कोई रूल, कोई इनके इस कलर वाली इस तरीके की कोई बात करनी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव. यानी कि अब उन्होंने लिखा है यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन में. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं वो प्राइवेट भी है, अगर जो पैसा लगाया जा रहा है वो प्राइवेट लोगों का भी है, इट मींस सारे के सारा गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी आके. दे आर फ्री टू यूटिलाइज दोज पावर विच दे गेट फ्रॉम गेट थ्रू एन एक्ट. तो जो आप लोगों ने पावर्स दे दी हैं उनको, पार्लियामेंट में जब एक्ट पास हुआ था तब आपने बता दिया कि आप ये काम करोगे, आपके ये रूल्स हैं, आपके ये रेगुलेशंस हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उनके अकॉर्डिंगली कैसे काम करना है, इट इज टोटली अप टू यू. यहाँ पे कोई आपको बीच में आके इंटरफेयर नहीं करेगा. ठीक है, तो बाकी अल्टीमेटली पावर्स आनी आपको पार्लियामेंट से ही है, वो जब एक्ट पास हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से ही आनी है, पर आगे उसको यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर है, और वो चेंज हो